गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं वेस्टीज में लोग कामयाब कैसे होते हैं। कामयाब होने के लिए वेस्टीज के लिए 7 काम करने पड़ते हैं, जिसे 7 बेसिक कहते हैं। वेस्टीज के 7 बेसिक्स ये हैं। सबसे पहला काम मुझे, नंबर 1 यूज द प्रोडक्ट्स, नंबर 2 शेयर द प्रोडक्ट्स, नंबर 3 मेक अ लिस्ट, नंबर 4 इन्विटेशन, नंबर 5 मीटिंग सेशन सेमिनार, या नंबर 6 टीम वर्क, और नंबर 7 फॉलोअप। ये 7 काम करके ही लोग वेस्टीज में लखपति करोड़पति बने हैं और लंबी कामयाबी ले पाते हैं। अगर ये 7 काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो समझ लें कि वही लोग नाकाम होते हैं। आइए थोड़ा विस्तार में हर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यूज द प्रोडक्ट, नंबर 1, वेस्टीज में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहला बेसिक काम है कि यूज द प्रोडक्ट। और मैं तो ये कहूँगा कि 100% यहाँ पर प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट वेस्टीज में है वो इसका यूजर बनने से ही आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं यूज तो नहीं करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, लोग मेरा सामान यूज़ करेंगे, लोग खाएंगे खरीदेंगे तो आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता, यूज़ करना पड़ेगा 100% यूज, क्योंकि जब तक यूज नहीं करेंगे तो अच्छा आप बता नहीं पाते हैं। अच्छा यूजर ही अच्छा प्रमोटर होता है, यूज करना पड़ेगा। दूसरा काम, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, शेयर करना आपस में, मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदार को, दोस्त यार को, जहाँ भी आप जाते हैं हर दिन कुछ लोगों को शेयर कीजिए, इसके बारे में बताइए। घर में जो मेहमान आते हैं उनको बताइए, आप कहीं जाते हैं उनको बताइए। प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना पड़ेगा, शेयर करेंगे तो उनको नॉलेज होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने से वो आप उसके बाद कंपनी के प्लान के बारे में बताएंगे। इस तरह से शेयर करने से ही आपका बात आगे बढ़ेगा। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाना पड़ेगा लोगों का, लिस्ट कम से कम 50 से 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी में 200, 300, 400, 500 लिस्ट भी लोग बनाते हैं और बड़ी कामयाबी लेके जाते हैं। और लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के मोबाइल में 100, 200, 300 लोगों का नाम होता है, उसको डायरी में उतारना पड़ेगा। मोबाइल में रखने से नहीं काम बनेगा, दिमाग में रखने से काम नहीं बनेगा, आपको लिस्ट में डायरी में लेके आना पड़ेगा। लिस्ट बनेगा तो आप उसको लोगों को बता सकते हैं और आपने कितने लोगों को बताया अब तक, टिकआउट कर सकते हैं। टिक लगा रहेगा तो आपको अपना काम दिखता रहेगा, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इनविटेशन, इनविटेशन क्या है, जैसे आपने लिस्ट बना लिया, अब लोगों को बताना है प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है। आप लिस्ट में से एक एक आदमी को आप टच करेंगे और कंपनी में आपके जो सीनियर हैं उनके पास में उनको बताइए, लिस्ट वाले से लोगों को नाम निकालिए, उनको प्लान के बारे में बताइए और अपने सीनियर से मिलाइए। इनविटेशन करना ज़रूरी है, इनवाइट करने के तरीके होते हैं, कैसे बताना है उनको, इनवाइट कीजिए लोगों को बताइए और उसके बाद लोगों को जब प्रोग्राम मिलाइएगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा। इनविटेशन कहाँ इनवाइट करना होगा, मीटिंग में, सेशन या सेमिनार कहते हैं उसको, कहीं भी आपका ऑफलाइन का मीटिंग हो रहा होगा या ऑफलाइन के घर में होम मीटिंग होता है, या आप जिनके घर में जहाँ से आपने स्टार्ट किया उनके घर में लेके जाइए, या सेमिनार आसपास में कहीं पर हो रहा है, या आप अपने घर में होम मीटिंग कर सकते हैं। इसमें इनविटेशन करके अपने सीनियर से शुरुआत में प्लान ले सकते हैं और जब आप धीरे धीरे इसमें सक्षम हो जाएंगे खुद से भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। अब जब इनविटेशन कर लिए, मीटिंग में बुला लिए लोगों को, तब कुछ उसमें से ज्वाइनिंग उठेगा। ज्वाइन होने के बाद आप लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को आगे काम कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, टीम कैसे बड़ा होना है, कैसे इनकम दिलाना है उनको, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के लिए आप टीम वर्क कहते हैं, टीम वर्क मतलब ट्रेनिंग करना, आपके टीम को और विस्तार करना, वो अपना काम वो खुद करने लगे, आगे बढ़ने लगे, उसके लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम वर्क करने से क्या होगा, आपकी टीम बड़ी होती चली जाएगी और आपका काम आसान होगा। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग खुद से करने का काम नहीं है, जब तक आपका टीम मजबूत नहीं हो रहा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टीम वर्क होगा तो वही आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे आखिरी काम, 7वां काम, फॉलोअप। फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है, अगर फॉलोअप नहीं हो रहा तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। फॉलोअप बहुत तरह का होता है, जैसे आपने अपने सीनियर से कुछ लोगों को मुलाकात करवाया और सीनियर ने उनको बताया, उनको अच्छा भी लगा, और आपको क्या है जब सीनियर चले जाए तो 24 से 48 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति से फिर दोबारा मिल रहा है और उनसे कोशिश करना कि वो हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर ले, आप कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और उनसे फॉलोअप कीजिएगा तो ही आगे वो ज्वाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंपनी का सेमिनार सुन करके वो आपका प्रोग्राम को जान करके, प्रोडक्ट को जान करके उनको भी इच्छा हुआ, उसको 24 से 48 घंटे के अंदर में फॉलोअप करना चाहिए। कुछ लोग फॉलोअप में काफ़ी लेट कर देते हैं,
एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ता बाद फॉलोअप करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी सारी बातें वेस्टेज को भूल चुके होते हैं और वो फिर वेस्टेज को फिर नहीं करने का मन बना लेते हैं। तो फॉलोअप करना है तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर में करना है, जिससे कि अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये सारे काम सालों काम करके ही आज ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड, क्राउन, डबल क्राउन सब इसी सिस्टम को फॉलो करके ही आगे बढ़े हैं। और मैं भी आज इस कंपनी के इस सिस्टम को अपना करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू।